गुप्ता डायनेस्टी जैसे ही खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, जो जम्मू कश्मीर में आखिरी हिंदू डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है, जो है हमारी देव डायनेस्टी। देखिए देव डायनेस्टी जो है इसने 1171 से लेकर के 1371 तक यहाँ पर रूल किया, कहीं कहीं पर आपको 1339 भी दिखाई देगा, ये अलग अलग सोर्सेस हैं। इस डायनेस्टी के जो दोस्तों इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, एक थे हमारे संग्राम देव और दूसरे थे हमारे शाहदेव। ये दोनों इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत ही शानदार रूल किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शाहदेव थे इनके रूल के टाइम ही यहाँ पे मंगोलों के राजा जो थे, मंगोलों के चीफ जो थे दुलालाचा, सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, उन्होंने यहाँ पर अटैक करने की कोशिशें की, यहाँ पे प्लंडर करने की, इसको यहाँ पे कश्मीर को जीतने की कोशिश की शाहदेव के टाइम पे दोस्तों। और इसी टाइम पे हमारे जो शाहदेव हैं वो यहाँ से भाग निकलते हैं, हमारे कश्मीर को छोड़कर चले जाते हैं। और उसी टाइम पे एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम था रिंचन शाह। देखिए रिंचन ये एक लद्दाखी प्रिंस थे दोस्तों, जिन्होंने बाद में यहाँ पर इस्लाम जो है वो कश्मीर में इस्लाम रूल की स्थापना की, वो ये रिंचन शाही थे। यहाँ पर पहले मुस्लिम रूलर बनते हैं ये, उनका टाइटल होता है सुल्तान शदरुद्दीन। सुल्तान शदरुद्दीन के टाइटल के साथ जो है ये यहाँ पर गद्दी संभालते हैं और बाद में 1323 में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी डेथ के बाद जो कोटा रानी थी हमारी रिंचन शाह कौन है ये पहले मैं आपको बता दूं। देखिए रिंचन शाह जो है ये इनको शदरुद्दीन शाह, इनको रिंचन शाह बोले जाते हैं, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर के ये माने जाते हैं दोस्तों। और इन्होंने रूल किया महज 3 साल के लिए, 1320 से लेके 1323। अब हम वापस आते हैं अपने न्यू कैरेक्टर जिनका नाम है कोटा रानी। देखिए कोटा रानी जो हैं रिंचन शाह की डेथ के बाद ये मैरिज करती हैं उदयन देव के साथ। उदयन देव जो हैं ये शाहदेव के ब्रदर थे, वही शाहदेव जो दुलालाचा के टाइम पे कश्मीर को छोड़ के चले गए। अब ये न्यू कैरेक्टर जो कोटा रानी जो हैं ये लॉरेन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। जो हमारा मैं आपको बता दूँ कोटा रानी बहुत ही इन्होंने विलफुल लेडी थी, इन्होंने कश्मीर में रूल करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया दोस्तों। बाकी मैं उदयन देव जो हैं हमारे, ये उदयन देव जो हैं ये कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर भी इनको ही माना जाता है दोस्तों। अगर कश्मीर का कोई लास्ट हिंदू रूलर है तो वो हमारे उदयन देव ही। इनकी क्वीन जो कोटा रानी है उन्होंने बड़ी ब्रेवरी के साथ जो है वो यहाँ पे रूल किया। और ये आप रिंचन शाह की इमेज देख सकते हैं, रिंचन शाह जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहता है। और कोटा रानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने रूल किया कश्मीर में बाद में। और इनके कोटा रानी को आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोटा रानी के बारे में थोड़ी सी इंट्रो यहाँ पे मैंने दी है, जो आप लोग चाहे तो यहाँ से रीड कर सकते हैं कोटा रानी के बारे में। और कोटा रानी के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शाह मीर डायनेस्टी की स्थापना होती है, रिंचन शाह जो है इसकी स्थापना करते हैं शाह मीर डायनेस्टी की। और लास्ट जो है मैं आपको बता दूँ 1339 में यहाँ पर हिंदू रूल का एंड होता है जम्मू कश्मीर में, और इस्टेब्लिशमेंट होती है पहली मुस्लिम डायनेस्टी की जिसका नाम था यहाँ पे दोस्तों शाह मीर डायनेस्टी, जिसको हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे।